बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं दीरलोए से मरगरा के शहर में आया हूँ, तो इधर के माहौल से तो मुझे ऐसे अंदाज़ा लग गया कि यहाँ के लोग बड़े बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा ख़ास एक्सपीरियंस, अभी मौसम तो सर्दी का है, तो मेरा एक्सपीरियंस यही कह रहा है कि मैं जो दरियाई पंचकोड़ा यहाँ से चतराल से स्टार्ट होके सवात तक गिर जाता है, तो वहाँ से मैं आया इधर ताकि मैं देख सकूँ इधर दरिया पंचकोड़ा के जो मछली है बहुत मशहूर है। एक ख़ास बात यह है कि बहुत मुश्किल से मिल जाते हैं इधर इस दरिया में मछली, लेकिन जब मिल जाते हैं और इसमें जितना जायका है वो कहीं और पे मैंने नहीं देखा जितना मैंने यहाँ दरियाई पंचकोड़ा की मछली का जायका देखा है। काफ़ी लोग इधर खाते हैं, बड़े शौकीन हैं, कुछ लोग अभी आए भी हैं, इनसे भी बात कर लेंगे। ज़्यादातर लोग आए हैं इधर मछलियों को पकड़ने के लिए, तो जाएंगे उधर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जियाउल्लाह रोगानी चैनल से हम आपके लिए मुख्तलिफ़ शहरों के, मतलब पेशावर, धीर, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ की सारी डॉक्यूमेंट्रीज और व्लॉग वगैरह बनाते हैं। तो अभी हम आए हैं थेमरगरा, ये के लोअर दीर में आता है ना ये थेमरगरा, हाँ लोअर दीर में आता है। तो इधर आए हुए हैं पंग, अगर देख सके तो ये अभी एक बंदे से मैंने पूछा, वो कह रहा है कि इधर सर्दियों में सैलाब वगैरह नहीं आते तो पानी बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन जब गर्मियों में और बारिश हो जाती है पानी होते हैं। और ये अगर ये जगह अगर आप देख सके तो ये जगह देख ले तो ये आबादी बहुत दूर है, आबादी बहुत दूर है यहाँ से, तो ये तकरीबन उधर तक जितना मैं आपको बता सकता हूँ उधर तक पहुँच जाते हैं, पानी बिल्कुल पहुँच जा सकते हैं। और इस साइड पर देख लेंगे ये आबादी है, ये बाजी तक ठीक है, तो चलो बात कर लेंगे इन लोग। हाँ नो दादा भी भैया तो उधर तना वक्त मयान ले लगा कहो मयान ही नहीं हुआ तो भैया ना तू है कना सिंह लोगों को कुंडी मुंडी देव तवा चो लिसार देव तवा चो बस दे جنریٹر والا شوق دفار صرف شوق دفار ونی
تاسو مړه خوراک وته نه دی اچولی. ای څه خوراک پکې کیړي مېړې پټوا اچولي.